इस मेडिटेशन में आप किसी भी एक ऐसे संस्कार पे विचार कीजिए जो संस्कार आपको लगता है, संस्कार का मतलब एनी हैबिट, एनी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, एनी बिहेवियर जो आपको खुद के बारे में अजीब लगता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको लगता है मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, दैट इज फाइन, वो एक संस्कार लीजिए। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब चीजें, सनक की हद तक सफाई मुझे पसंद है, वो लीजिए। कोई भी एक चीज, एक इंटेंशन बनाइए। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, टेक 1 मिनट, क्रिएट एन इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन से ही ये यात्रा सुलभ होगी। याद रखिए, इंटेंशन फ्यूल है, ये कोई टूरिज्म नहीं है, दिस इज नॉट पास्ट लाइफ टूरिज्म कि चलो घूम के आते हैं। आपका फ्यूल है इंटेंशंस। सो बिल्कुल क्लियर इंटेंशन रखिए, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। वो जो आपका जौहरी विंडो का हिडन सेल्फ हो, डार्क सेल्फ है, जो ना मुझे पता है ना किसी और को, उसमें क्या जानना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ? एनीथिंग, आप कुछ भी, जैसे कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, वो अब्यूजिव रिलेशनशिप क्यों है? या फिर कोई डर है, कोई फोबिया है, वो फोबिया क्यों है आप में? कुछ भी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? डू यू नो आपको क्या करना है? या किसी से आपको एक्सट्रीम अटैचमेंट है, उस व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है पहले का? कुछ भी, थिंक ऑफ इट। हाउ मेनी ऑफ यू कुड थिंक ऑफ एनी इंटेंशन? आई वॉन्ट आस्क, जस्ट वॉन्ट टू अश्योर, कितने लोग सोच पाए हैं किसी भी एक इंटेंशन? ठीक। जितना आपका इंटेंशन स्पष्ट होगा, उतना आपको मदद मिलेगी। ठीक, अब दो तीन बातें और। इस पूरे मेडिटेशन के दौरान हर चीज आपको दिखे आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए। यह समय तर्क का नहीं है, इंट्यूशन नॉट इंटेलिजेंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट थॉट इज राइट थॉट, जो पहला विचार आया बस उसके साथ चल पड़िए, धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। और आपको कुछ ना भी दिखे तो उस ऊर्जाओं को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि क्या है। हो सकता है आपको कोई दृश्य ना दिखे, हो सकता है आपको कुछ स्पष्ट ना दिखे, उस केस में ऊर्जाओं को महसूस कीजिए एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्लियर? चूंकि ये डिस्टेंट मेडिटेशन है, तो हो सकता है ये सुनते समय आपके कान में दूसरी आवाजें भी आ रही हो। आप कितने डीप ट्रांस में जाएंगे, ये आपकी निजी साधना पर निर्भर करेगा। तो अगर आसपास की कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है, इट्स ओके, स्टिल यू कैन कनेक्ट टू इट। सो आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, तो एक बार महर्षि पतंजलि ने जो कहा उसको करके देखते हैं। एक संस्कार उठाते हैं और उस पे संयम करते हैं और उससे देखते हैं कौन से अध्याय के तार जुड़े हुए हैं। सो अपनी आंखें बंद कीजिए और इस मेडिटेशन के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब जो भी आपके आराध्य हो, उन आराध्य को प्रणाम करके कहिए, हे प्रभु, तुझे साक्षी मान के
मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। अपने मन को भी कहिए, ये मन, ऐसे कई आवश्यक कार्य हैं जो मुझे करने हैं, ऐसी कई प्राथमिकताएं भी हैं जिन्हें मुझे देखना है, पर आने वाले कुछ समय मैं अपना पूरा ध्यान अपनी इस यात्रा पे केंद्रित करूंगा। इसके उपरांत उन सारी प्राथमिकताओं को और उन सारे कार्यों, उन सारे विचारों को मैं महत्व दूंगा, पर आने वाले कुछ समय मैं पूरी तरह से संयमित होऊंगा एक संस्कार के प्रति। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सांस को अपने अंदर बहने दीजिए। पूरे शरीर को शांत हो जाए, पूरी तरह से विश्राम। एक और गहरी सांस लीजिए, इस सांस को अपने पैरों में प्रवाहित हो, और जैसे जैसे ये आपके पैरों में प्रवाहित होती है, पैर पूरे शिथिल होते जा रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से निढाल छोड़ती। एक और गहरी सांस, और इस सांस को अपने एब्डोमेन में, अपने उदर क्षेत्र में प्रवाहित होने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स, निढाल छोड़ दीजिए अपने उदर को, ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह, वेरी मच रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस सांस को अपने भुजाओं और कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। अपने हाथ, कंधे, उंगलियां, इनमें प्रवाहित हो, उंगली के रोम रोम में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, this healing energy is making you relaxed, puri tarah se relaxed, aap pure relax ho chuke hain, bilkul relaxed। ek aur gehri saans lijiye और इसको अपनी छाती में प्रवाहित होने दीजिए, और इस प्रवाह के साथ इस ब्रह्मांड की सक्रिय ऊर्जा आपको पूरी तरह से विश्राम दे रही है, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर, आपके पैर पूरी तरह से विश्राम में, आपके नितंब पूरे विश्राम में, आपकी थाइस,
कमर, पेट, छाती, हाथ, कंधे पूरे रिलैक्स्ड हो जाए, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इन दिस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एक और गहरी सांस लीजिए और इसको पूरी तरह से अपनी गर्दन में प्रवाहित होने दें। आपकी गर्दन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से विश्राम महसूस कर रही है। थोड़ी गर्दन हिला के अपने आप को और कंफर्टेबल कर सकते हैं। और अब इस विश्राम युक्त स्थिति में एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने मस्तक, इस ऊर्जा को अपने मस्तक में प्रवाहित होने, अपने पूरे चेहरे और मस्तक में प्रवाहित होने, आपके गाल पूरी तरह से रिलैक्स हो, होंठ, आपकी आंखों की पुतलियां रिलैक्स हो, कंप्लीटली रिलैक्स, आपकी भौहें रिलैक्स्ड फील कर रही, आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से। और अब इस पूर्ण विश्राम अवस्था में अपने मन में उस संकल्प को दोहराएं जिस संकल्प की खोज में आपने अपने जन्म जन्मांतरों की यात्रा को प्रारंभ किया। वो प्रश्न, वो संकल्प बिल्कुल शांत मानसिक स्थिति, पूरी तरह से शांत, उस संकल्प को मन में पुनः दोहराएं और अपने आराध्य से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे अपने उस महाकाव्य में इस अध्याय को खोलने की अनुमति प्रदान करें। अपने जीवन के महाकाव्य का वो अध्याय जो आज आपके व्यक्तिगत जीवन के इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है जिसके लिए आपने यात्रा शुरू की, और इसी संकल्प के साथ जैसे ही हम 5 से 1 कहेंगे आपको अपने सामने एक ब्रिज दिखाई देगा, एक पुल, वो पुल जो आपके वर्तमान जीवन को आपके महाकाव्य से जोड़ता है, वो पुल जिसका एक सिरा आपका वर्तमान है और दूसरा सिरा एक ऐसा पूर्व जन्म जिसका प्रत्यक्ष संबंध इस संस्कार से है जिसको आप खोज रहे हैं, जिसका मूल आप खोज रहे हैं। जैसे ही हम 5 कहेंगे आपको अपने सामने एक पुल दिखाई देगा, एक ब्रिज जिसका एक छोर तो आपको दिखेगा और दूसरा छोर किसी धुंध में छुपा होगा। आप धीरे धीरे बिल्कुल शांति से उस छोर की तरफ चलेंगे तो और स्पष्ट होता जाए और आपकी चेतना अपनी अंतर यात्रा में एक ऐसे पूर्व जन्म में पहुंचेगी जिसका इस संस्कार से प्रत्यक्ष संबंध है, इस प्रश्न से प्रत्यक्ष संबंध है। 5, एक ब्रिज आपके सामने है। जैसे ही हम 5 से 1 की तरफ बोलना शुरू करें बिल्कुल शांति से
आप उस ब्रिज पर चलना शुरू करें। चार, धीरे धीरे बिल्कुल शांत अवस्था में उस ब्रिज पर चलते रहे। सब कुछ ठीक है, सुरक्षित। वो दूसरा छोर जो अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। तीन, ये मेरी यात्रा मुझे अपने गत किसी जन्म के उस अध्याय पे लेके जाएगी, उस पृष्ठ पे लेके जाएगी जो मेरे संस्कार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी चेतना व्यापक हो रही है और वो इस ब्रह्मांड से खुद को जोड़ रही है। वो सारे रिकॉर्ड, वो सारे महाकाव्य, वो सारी यात्राएं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, आपकी चेतना उससे जुड़ना शुरू हो। अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास। अब आपको महसूस होना शुरू होगा एक वो छोर आपके अस्तित्व का जो कहीं पीछे आप छोड़ा है। तो आपका वो आवाजें, वो वाइब्रेशन, वो भाव, वो ऊर्जाएं महसूस हो सकती हैं जो उस छोर पे आपका इंतजार कर। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट थॉट इज राइट, पहला विचार बिल्कुल सही है। कुछ ना भी दिखे, ऊर्जाओं को महसूस करें। हमारा अस्तित्व ही ऊर्जा है और हम जैसे ही कहेंगे, आप अपने किसी गत जन्म के किसी ऐसे समय में पहुंचेंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है इस संस्कार से, इस प्रश्न से, इस जन्म से। एक एग्जैक्टली देयर, बिल्कुल वही। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना उस जन्म में पहुंच चुकी है जिसका प्रत्यक्ष संबंध है इस जन्म से। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। बिल्कुल शांत भाव से अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। नीचे की तरफ देखिए, अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या आपने अपने पैरों में कुछ पहन रखा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यदि पहन रखा है तो ये किस प्रकार का है? क्या आपने कुछ पहनों में पहन रखा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इवन इफ यू कैन सी, यू कैन सेंस। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यू एग्जैक्टली नो व्हाट। आपको अच्छे से पता, आपकी चेतना ने वो पल जिया है पहले, वो आपकी ही तो कहानी है। अब अपने आसपास को महसूस कीजिए, सजग हो जाइए अपने आसपास के प्रति। देखिए चारों ओर क्या महसूस, क्या दिखता है, कौन सा क्षेत्र ये प्रतीत होता है, कौन सी जगह है ये? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार सही है,
पहले विचार को पकड़ के चलते रहे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप बाहर हैं या अंदर हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। Trust your intuitions. You know exactly what. इस समय प्रकाश है, अंधकार है, या किस प्रकार का समय है? दिन है, रात है, शाम है, दोपहर है? Trust your intuition. You know exactly what. आप वहां क्या कर रहे हैं? What are you doing there? Trust your intuitions. क्या कर रहे हैं? First thought is right. क्या पहन रखा है आपने? What are you wearing? Trust your intuitions. आपकी चेतना ने जिया है उस पल को, वो सब जानती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं? Trust your intuitions. Trust your intuition. How old are you? क्या उम्र है आपकी? पहला विचार सही। First thought is right. You know exactly what. क्या कोई आपके आसपास है? क्या आपके आसपास कोई महसूस होता है? कुछ ना भी दिखे तो ऊर्जाओं को डिकोड कीजिए। जस्ट ट्रस्ट द एनर्जी। क्या किसी की ऊर्जाएं आपके आसपास महसूस होती हैं? यदि हां तो कौन है वो लोग? कैसे संबंधित हैं आपसे? Trust your intuitions. कौन है ये? कैसे संबंधित है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसे? उस भावना को एक नाम दें। क्या महसूस कर रहे हैं आप इसे? और अब जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने इसी जीवन काल के किसी ऐसी घटना पर पहुंचेंगे जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वर्तमान जीवन की घटना से, उस संस्कार से जिसको लेके आप इस खोज पे आए हैं। जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने उस जीवन की किसी ऐसी घटना पे पहुंचेंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है
आपके वर्तमान जीवन से और उस प्रश्न से जिसको लेके आप यहां आए हैं। तीन, और गहरा उतरने दीजिए। चेतना आपकी और गहराई में उतरते हुए दो, और हम जैसे ही कहेंगे आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे, उस जन्म के उस पल पे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है वर्तमान जीवन के इस प्रश्न से। एक, एग्जैक्टली देयर, बिल्कुल वही। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या उम्र है अभी आपकी इस समय इस स्थिति में? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्या हो रहा है आसपास? क्या आसपास कुछ लोग हैं क्या महसूस कर रहे हैं इस पल? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपको अच्छे से पता है, आपकी चेतना सब जानती है, पहला विचार सही है। और अब जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने गत जीवन के एक और किसी ऐसी घटना के समक्ष खुद को पाएंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध वर्तमान जीवन के इस प्रश्न से है। तीन, चेतना को प्रवाहित होने दीजिए। दो, उस गत जन्म का एक और स्थिति, एक और परिस्थिति, एक और समय जिसका प्रत्यक्ष संबंध वर्तमान जीवन से है। हम जैसे कहेंगे आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे, उस परिस्थिति में पाएंगे। एक, exactly there, trust your intuitions, feel it as it is happening now, mehsoos kijiye us pal ko jaise abhi ho raha ho। और अब जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने उस जीवन के अंतिम पल पे खुद को पाएंगे, द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन दैट पास्ट लाइफ, उस गत जन्म का अंतिम पल, आपका मृत्यु का क्षण पिछले जीवन का। जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, चेतना प्रवाहित होके पिछले जीवन के अंतिम पल पे पहुंचे।
तीन प्रवाहित होने दीजिए। उस गत जन्म का अंतिम पल जब आपकी जीवात्मा देह को त्यागने में ही थी, तो वन टेम्पल लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन दैट लाइफ टाइम्स, हम जैसे कहेंगे आप अपने आप को उस पल में पाएंगे जब आपकी जीवात्मा इस देह को त्यागने वाली थी। वन टेम्पल उस गत जन्म का एक ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, क्या कारण था इस मृत्यु का, इस देह त्याग का? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, फर्स्ट थॉट इज राइट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। क्या आपके आसपास कोई और भी इस अंतिम पल में, क्या आपके आसपास कोई और भी है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, फर्स्ट थॉट इज राइट, आपके अंतिम विचार क्या हैं? व्हाट आर योर डाइंग थॉट्स? जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, फर्स्ट थॉट इज करेक्ट, व्हाट आर योर डाइंग थॉट्स? अंतिम विचार क्या था? और अब जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने गत जन्म के शरीर को वहीं त्याग कर अपनी चेतना को ब्रह्मांड की ओर उठाएंगे, हायर एंड हायर उस जन्म से विदा होते हुए, तीन ऊपर उठते हुए। आपकी चेतना अब नीचे अपने शरीर को देख सकती है, अपनी देह को देख सकती है, जीवात्मा ऊपर से अपनी देह को देख सकती है। अपनी देह को नीचे देखिए और ऊपर उठिए, दो हायर, ऑल द मोर हायर। लाइफ बिटवीन लाइव्स, दो जन्मों के बीच की स्थिति में, जैसे हम कहेंगे एक, आप बहुत ऊपर, बहुत उच्च लोकों में अपनी चेतना को पाएंगे, उस जन्म से दूर, इस जन्म से दूर, दोनों जन्मों के बीच में, एक कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, फ्लोटिंग 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 इस अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए, पूरी तरह से विश्व, एक जीवन की समाप्ति दूसरे की प्रारंभ होने में, इस बीच की स्थिति में, पिछले जन्म का पूरा आकलन कीजिए, जो जन्म भी होके चुका है, क्या उद्देश्य था उस जन्म का? क्या सीखा उस जन्म में?
और अब उस जन्म को इस जन्म से कंपेयर कीजिए। उस जन्म की कौन सी सीख अधूरी रह गई जो इस जन्म में जारी है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। उस जन्म का इस जन्म से क्या संबंध दिखता है? वो संस्कार, वो जो प्रश्न लेके आप गए थे इस यात्रा, उस प्रश्न के उत्तर का उस जन्म से क्या संबंध है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या नया, क्या जानकारी मुझे मिली जो मेरे इस जन्म में उपयोगी हो सकती है? क्या संबंध है इन दोनों जन्मों का आपस में? कौन सा संस्कार उस जन्म से इस जन्म तक मेरे साथ है? और अब गहरी चेतना में अपने उस प्रश्न का उत्तर खुद से पूछे, चेतना से पूछे, पिछले पूरे जन्म के अवलोकन के साथ, और जो भी उत्तर कौंधे वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अब इस पूरी तरह से विश्राम युक्त मानसिक अवस्था में, वही ब्रह्मांड में अपने सोल मास्टर्स को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और चेतना के रोम रोम में उनको महसूस कीजिए। और अब इस शांत मानसिक अवस्था के साथ हम अपने वर्तमान जीवन में लौटेंगे। जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप वर्तमान जीवन की तरफ लौटना शुरू करेंगे, उस विजडम के साथ जो गत जन्म से हमें पाई, उस आशीर्वाद के साथ जो हमें हमारे सोल मास्टर्स ने दिया। 5, पूरी तरह से शांत। जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप वर्तमान जीवन की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, पूरी तरह से शांत मानसिक अवस्था, पिछले जन्म की सारी सीख के साथ, इस जन्म के प्रश्न के उत्तर के साथ। 1, वापस लौटते हुए। 2, वापस वर्तमान की ओर पूरी तरह से शांत। 3, बिल्कुल शांत, पीसफुल। 4, और जैसे हम कहेंगे 5, बिल्कुल शांत और प्रसन्न मानसिक अवस्था के साथ आप पुनः अपने वर्तमान जीवन में, अपने शरीर में प्रवेश करें। एक्सेलेंट। अब आप जब भी तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।